नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है, वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट या फिर क्वेरी शेयर करें। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे RRC NR यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। इम्पोर्टेंट डेट सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 15 अप्रैल को जो है जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 16 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायल का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 10th of June, ठीक है, बट बाद में ये चेंज भी हो सकता है। जो भी फाइनलाइज होगा डेट, वो आपको मेल के द्वारा बाद में सूचित कर दिया जाएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग पोस्ट है, लाइक फुटबॉल मेन, वेट लिफ्टिंग मेन, एथलेटिक्स मेन एंड वेमेन, बॉक्सिंग मेन एंड वेमेन, देन स्विमिंग मेन, टेबल टेनिस मेन, मेन हॉकी मेन। जो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, वहां पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। जहाँ पे वेमेन के लिए मेंशन कर दिया गया है, वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। हॉकी मेन वेमेन बोथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैडमिंटन के लिए ओनली मेन, कबड्डी मेन वेमेन, रेसलिंग मेन वेमेन एंड यहाँ पे चेस मेन। तो टोटल यहाँ पे 38 वैकेंसी यानी कि 38 वैकेंसीज टोटल रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लेइंग पोजीशंस वगैरह होता है वो यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें भी अलग अलग वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक अगर फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन होता है, अलग अलग पोजीशन में हर कोई जो है एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे कि सेंटर फॉरवर्ड हो गया, सेंटर हाफ हो गया, स्टॉपर, लेफ्ट आउट, स्ट्राइकर। तो यहाँ पे देखिए, हर एक पोजीशन में एक एक करके वैकेंसीज है, तो टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 18 इयर्स मिनिमम एज लिमिट रखा गया है, 25 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पे सेम जो एज रखा गया है उसी एज लिमिट को देखकर ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के लिए है तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, बट मैं बता दूं, ये हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर स्पोर्ट्स कोटा से आता है, वही यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पे लेवल आपका देख सकते हैं आप, पे लेवल 1 रखा गया है विद ग्रेड पे 1800। तो आपका 6 CPC के हिसाब से आपका मिलता है एंट्री बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर मैक्सिमम सैलरी 56,900 आपको मिलेगा। इंक्रीमेंट तो वो तो अलग ही है, वो जो रेलवे में होता है वही आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे ओनली मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10th पास कैंडिडेट, ठीक है। 10th पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। उसके बाद देखिए, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन या फिर अचीवमेंट्स को लेकर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जो कि आपको जरूर रीड करना चाहिए अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है फॉर एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए, जो रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स चाहिए वो है रिप्रेजेंटेड, अगर कभी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इन एनी ऑफ द कैटेगरी से चैंपियनशिप या फिर इवेंट्स में, या फिर अगर एटलीस्ट थर्ड पोजिशन आया है इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पे जो भी 3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का स्कीम दिया गया है। सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पे आपको जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको साथ में रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर एग्जेम्पशन इन फीस इफ एप्लीकेबल, उसके साथ साथ 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ई एडमिट कार्ड एंड वैलिड फोटो आईडी यानी कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है।
तो अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करने से फेल हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टू अपियर इन द ट्रायल्स। तो ट्रायल में जो भी यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, वही जो फर्दर स्टेप के लिए उनको जो है सेंड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिट कैंडिडेट नॉन फिट कैंडिडेट का यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो भी असेसमेंट होगा 40 मार्क्स का, फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स, तो यहाँ पे देखिए ट्रायल कमेटी के द्वारा वो किया जाएगा, ठीक है। ट्रायल कमेटी के द्वारा 40 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स या फिर उससे भी ज्यादा आपको मिलता है तो आप फिट कैंडिडेट हैं। अगर आपको 25 मार्क्स से कम मिलता है तो आप नॉन फिट कैंडिडेट हैं। तो फिट कैंडिडेट को ही जो है अनदर जो स्टेज है उसके लिए जो है कंसिडर किया जाएगा। आफ्टर ट्रायल ओनली फिट कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज बाई रिक्रूटमेंट कमेटी। अब रिक्रूटमेंट कमेटी के द्वारा जो है 60 मार्क्स का एक फिर से जो है स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक असेसमेंट किया जाएगा, जैसे कि फॉर असेसमेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स का होगा, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो 10 मार्क्स का रखा गया है। तो टोटल अगर देखें रिक्रूटमेंट कमेटी एंड ट्रायल कमेटी का जो भी असेसमेंट है सभी को मिला के, तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका असेसमेंट होने वाला है। 100 में से अगर आपको 60 मार्क्स मिलता है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60 मार्क्स, यानी कि 60% मार्क्स आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन प्लेइंग किट फॉर ट्रायल वेर एवर एप्लीकेबल। ट्रायल के लिए अगर आप जाते हैं तो अपना जो भी जहाँ पे मतलब चाहिए वहां पे अपना प्लेइंग किट साथ में जरूर लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है वो भी आपको पास करना होगा। कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू पास द रिक्वेस्टेड मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आया है, जिसका हेड क्वार्टर आपका दिल्ली में मिलेगा। ना प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का रखा गया है। अब प्रोबेशन पीरियड होता क्या है, जो पहला 2 साल होगा उसी में आपका देखा आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा। अगर कोई भी अनसेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस रहा या फिर आपके कोई भी गलती हो, तो जो प्रोबेशन पीरियड है यानी कि 2 साल के जो पहला 2 साल है उसमें ही जो है आपको निकल सकते हैं, उसके बाद आपको निकल नहीं सकते है। तो प्रोबेशन पीरियड इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको अच्छे से परखने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाए फॉर परमानेंट पोजिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड भी रहने वाला है। तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ व्हिच ही और सी हैज बीन सिलेक्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पर चलते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन मोड पे आपको एप्लीकेशन करना है। अगर कोई अलग मोड आप यूज करे लाइक इन कैश, चेक, मनी ऑर्डर, आईपीओ, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एसटी वेमेन माइनॉरिटीज एंड ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईबीएस, तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। बट अगर आप ट्रायल में अपियर होते हैं तो आपको जो है 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 100 रुपीज है, बट यहाँ पे आपको पे करना है 500 रुपीज, ठीक है। तो 500 आपको पे करना है, एंड अगर आप ट्रायल में अपियर होते हैं तो उसी टाइम पे आपको जो है 400 रिफंड कर दिया जाएगा। जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स है, वीमेन कैंडिडेट्स है, माइनॉरिटीज या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए 250 रुपए पे करना है, एंड अगर आप ट्रायल में अपियर होते हैं तो आपका ये जो एप्लीकेशन फी है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, ठीक है। तो ये सारे जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे माइनॉरिटीज में आता है। अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स में नोटिफिकेशन को दिया गया है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, लाइक कोई भी पोस्ट आपके लिए रिजर्व नहीं है, मतलब जो एस सी एस टी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी पोस्ट जो है रिजर्व करके नहीं रखा गया है, ओपन पोस्ट है, कोई भी यहाँ पे इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। नो टीएडीए आपको मिलेगा, कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अपियरिंग इन द सिलेक्शन ट्रायल्स और असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप्स टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, देखिए कि यहाँ पे जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, सेकंड पार्ट में आपका फीस पे करना है, थर्ड पार्ट में आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सारे अपलोड करना है, फोर्थ पार्ट में आपका ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स प्रिंट करना है, एंड देन फिफ्थ पार्ट में जो है एप्लीकेशन डिटेल्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या इंक्लोजर आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे चेकलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, 12th सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन लाइक 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। आप चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में आते नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको जो है नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। तो ये नोटिफिकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये वाला टैब आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप क्लिक कीजिए। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो कैंडिडेट का नाम, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, देन आपका कौन सा जेंडर है, कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उस सभी कुछ आपको देना है। फिल करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से बैक करके जाना है एंड यहाँ पे आके लॉगिन में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं देन आपको जो मेल आईडी या फिर फोन नंबर, पासवर्ड वगैरह आपने क्रिएट किया है वो करने के बाद आप जो है फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन में आपको दिक्कत होता है, कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन यही है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। ग्रुप डी पोजीशन के लिए अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करता है तो प्लीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए। रेलवे में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बट जिनको मिलता है वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होता है, बहुत ही अच्छा जॉब होता है, सिक्योर जॉब होता है। यहाँ पे जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो भी ईयरली आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा जॉब होता है। तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में अपना डाउट्स के बारे में बताएं एंड शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव के साथ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।